मैं डॉक्टर मोहम्मद करीमुल्ला खान, स्पेशलिस्ट ENT. आज मनु नॉलेज सीरीज़ के तहत हम बात करेंगे एपिस्टैक्सिस के बारे में. एपिस्टैक्सिस, जिसे उर्दू जबान में नकसीर कहते हैं, जिसे नाक से खून जाने को भी कहते हैं. नाक के तीन अहम जिम्मेदारियां हैं हमारे जिस्म. ये आप जो सांस नाक के ज़रिए अंदर लेते हैं, ये उसे साफ़ करती है, इसका एक दर्जे हरारत मेंटेन करती है और उसकी एक ह्यूमिडिटी मेंटेन करती है. इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नाक के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं या खून की रगें होती हैं. नाक से खून जाने के अलग अलग वजूहात हैं और ये वजूहात अलग अलग उम्र के लोगों में अलग रहते हैं. जैसे कि बच्चों में, 10 साल से 12 साल तक के बच्चों में जब भी नाक से खून जाता है, इसके वजूहात हो सकते हैं शदीद सर्दी होना या नाक में मार लगना, नाक साफ करना, या अक्सर जिस तरह छोटे बच्चे नाक के अंदर कुछ डाल लेते हैं, या शदीद गर्मी या सर्दी में नाक के अंदर सूख जाना. नौजवान लोगों में 14 से लेकर 25 साल की उम्र में ये वजूहात होते हैं खेल कूद के दौरान मार लगना, या मौसम की वजह से नाक अंदर से सूख जाना, या शदीद सर्दी होना, साइनस की बीमारी, या कोई अंदर एक नाक में ट्यूमर होना जिसमें भी नाक से खून जा सकता है. बुज़ुर्ग लोगों में जैसे 55 साल या ऊपर सबसे आम वजह होती है BP का एकदम अचानक से बढ़ जाना, वो भी बिलखसूस जब वो लोग इसके साथ खून पतला करने की भी दवाएं लेते हैं. इसके अलावा ट्यूमर्स या कैंसर या नाक के ज़ख़म भी हो सकते हैं. इसके अलावा जो दूसरे वजूहात हैं, जैसे कि डेंगू की बीमारी है या लिवर की बीमारी है या कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स. नाक से खून जाने पर सबसे पहले मरीज़ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें लिटाना नहीं चाहिए, ना ही पानी से नाक को धोना चाहिए. इससे नाक से जो खून जाता है वो रुकता नहीं, लेकिन नाक के पीछे के हिस्से से और गले में पेट में उतर जाता है. नाक से जब खून जा रहा हो तो इसे रोकने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप नाक के जो बाहरी नरम हिस्सा है उसे अपने दो उंगलियों के बीच में दबा कर रखिए 1-2 मिनट के लिए. कई बार इसी से ये खून रुक जाता है. अगर इससे भी ना रुकें तो दवाखाने को ज़रूर रजू है. वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़े तो नाक में पट्टी लगाकर भी इस खून के जाने को रोका जा सकता है. बच्चों के लिए बिलखसूस जब गर्मा के मौसम में नाक से खून जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, एक आसान सी चीज़ ये है कि रोज़ सुबह में थोड़ा नाक में ज़रा सा अगर तेल लगा देंगे तो ये बार बार ये खून जाने की परेशानी नहीं रहेगी. नाक से खून जाने के बहुत सारे वजूहात हैं और कई बार ख़तरनाक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये बार बार होता है तो एक बार डॉक्टर से रुजू कर लेना ज़रूरी है. तो ये थी एक छोटी सी बात एपिस्टैक्सिस या नकसीर के बारे में, और उम्मीद करता हूँ ये तमाम मालूमात आपको आगे फ़ायदेमंद साबित होगी. शुक्रिया.